नमस्कार, साथ के साथ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मिल रही है, जहां विश्वविद्यालय संघर्ष समिति ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। ACS आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक, संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का फैसला लिया गया है। विद्यार्थी हित में समिति ने हड़ताल वापस ले ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, छात्र हित में समिति का सकारात्मक फैसला। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनका ये कहना है कि छात्र हित में समिति ने जिस तरह का निर्णय लिया है वो सकारात्मक फैसला है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, विश्वविद्यालय संघर्ष समिति ने वापस ले ली अपनी हड़ताल। ACS आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक हुई। माननीय अपर मुख्य सचिव ने बहुत सकारात्मक चर्चा की, लंबी चर्चा हुई एक डेढ़ घंटे तक सारे बिंदुओं पर, और उन्होंने बहुत तो पॉजिटिव सोचते हुए सातवें वेतनमान से प्रदेश के विश्वविद्यालयों के समस्त अधिकारी शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने ये कहा है कि 3 महीने के अंदर मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट से निर्णय कराकर और विश्वविद्यालय से पैसे लेकर आपको सेवेंथ पे कमीशन से पेंशन दी जाएगी। आज जो हमारा आंदोलन चल रहा था चरणबद्ध तरीके से, उस आंदोलन को हमने स्थगित किया है, क्योंकि ACS साहब के साथ हमारी जो चर्चा हुई, चर्चा अनुसार हमारे जो मिनट्स अप्रूव किए हैं और उसमें हमारी मांगों को मान लिया गया है और सहमति से हम आज आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दिनेश शुक्ला, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। दिनेश, जिस तरह से बात करें, 9 सूत्री मांगे थी और लगातार ये आंदोलन कर रहे थे, दूसरी तरफ ये भी मांग उठ रही थी कि छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में अटका हुआ था, तो ऐसे में अब वापस ले ली है इन्होंने हड़ताल। जी बिल्कुल, ACS और आयुक्त उच्च शिक्षा के साथ आज ये मंत्रालय में बैठक हुई थी, जिसके बाद ये सहमति बनी है। 3 महीने में जो है सेवेंथ पे कमीशन है उसके हिसाब से पेंशन दी जाएगी और 201% डीए की भी बात कही गई है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जो मांगे 9 सूत्री मांगे थी उन पर कहीं ना कहीं सरकार के साथ सहमति बनी है, जिसके बाद ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो कि आज सुबह से शुरू हुई थी उसको स्थगित कर दिया गया है। क्रमिक भूख हड़ताल जो थी वो भी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। करीब 15 दिन पहले से ये हड़ताल चल रही थी, आज 16-17 दिन था और उसको लेकर जो छात्र थे विश्वविद्यालय में, जो कामकाज था वो ठप्प पड़ा हुआ था। करीब 4 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं होनी थी UG और PG की, वो भी स्थगित हो गई थी। हम बरसुल्ला विश्वविद्यालय की बात करें तो 1,27,000 विद्यार्थियों की परीक्षा यूजी पीजी की होनी थी, वो स्थगित होने के कगार पर थी। तो प्रशासन के साथ एक बड़ा निर्णय लिया गया है जिसके बाद अब ये हड़ताल स्थगित की गई है। दिनेश, यूजी पीजी सेमेस्टर और सप्लीमेंट्री जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई थी, 9 सूत्री इनकी मांगे थी, अब क्या समझा जाए? एक बार फिर से जो मांगे या आश्वासन इन्हें पहले दिया गया था वो मूर्त रूप ले पाएगा इस बार भी? कि बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अधिकारियों के साथ करीब 2-2.5 घंटे बात हुई है संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ, और उसके बाद ही ये सहमति बनी है। क्योंकि विश्वविद्यालय में माइग्रेशन, मार्कशीट, डिग्री और अन्य ऐसे जो प्रशासनिक कार्य होते हैं जिसको लेकर छात्र और विद्यार्थी जो परेशान होते रहते हैं उसको वो अब सुनिश्चित किए जाएंगे और जो छात्रों को परेशानी होती है वो दूर की जाएगी। साथ में परीक्षाएं जो स्थगित की गई थी अब उसकी भी नई तारीख घोषित की जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार और जो संघर्ष समिति उनके बीच एक एजेंडा जो है तैयार किया गया है उसको लेकर अब आगे बात होगी। 3 महीने का समय दिया गया है सरकार की तरफ से कि इनकी मांगे मान ली जाएंगी। दिनेश, हमने देखा था आज सुबह भी, अगर हम जीवाजी यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं ग्वालियर की, तो वहां पर भी जो शिक्षक थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और अब इनकी जो मांगे हैं वो हो सकता है कि पूरी हो जाए। 9 सूत्री मांगों में से क्या लग रहा है, पूरी जो 9 सूत्री मांगे हैं वो पूरी हो रही है या फिर कुछ खास मांगे जो है वो ही मानी जा रही है? ये मैं आपको बताऊं कि उच्च आयुक्त उच्च शिक्षा के साथ जो आज संघर्ष समिति की शिष्टमंडल की जो बैठक हुई है उसके पश्चात ये धरना जो है समाप्त किया गया है, आंदोलन समाप्त किया गया है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो 9 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर जो सहमति बनाई गई उनमें 12/2023 के पत्र द्वारा स्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण हेतु कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा पहले ही किया जा चुका है। 2007 के 50
जो नियुक्ति स्थायी कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु निर्देश जारी किए जा चुके थे, मेडिक्लेम योजना जो है उसको तत्काल लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, विश्वविद्यालयों को पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। आज जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों शिक्षकों को पेंशनरों को सातवें वेतनमान की जो बड़ी मांग थी उसको लेकर भी सहमति बन गई है। कुल मिलाकर बात की जाए तो 3 महीने के अंदर ये पूरा मामला जो है निपटा लिया जाएगा। वही हम बात करें दिनेश, विश्वविद्यालयों के कुल सचिव पर विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारियों को पदोन्नत भी किया जाए, इस तरह की कई प्रमुख मांगे थी। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ जावेद खान भी ग्वालियर से जुड़ गए। जावेद, ग्वालियर की अगर बात करें, आज सुबह भी तस्वीरें हमने INS 24/7 के माध्यम से दिखाई थी जब कुछ शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, क्या वही प्रेशर बना? और लगातार अगर हम बात करें, शिक्षा मंत्री भी कहते हुए नजर आए हैं कि सकारात्मक पहल छात्रों के हित के लिए हुई है। जी बिल्कुल, ये ग्वालियर से जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के जो कर्मचारी नेता हैं, अधिकारी हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं और जो पेंशनर्स भी इसमें शामिल हो गए। खास बात है कि जो पेंशनर थे, जो रिटायर्ड डीसी थे, रिटायर्ड रजिस्ट्रार थे, ऐसे लोग भी इसमें धरने में बैठे हुए नजर आए और उन्होंने आज से जो क्रमिक हड़ताल जो चल रही थी उसको भूख हड़ताल के रूप में तब्दील कर दिया था। 6 लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी जिसमें कि विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी दोनों लोग संयुक्त रूप से शामिल थे। सबसे बड़ी बात है कि जो इस आंदोलन का जो प्रेशर बन रहा था उसके लिए जो प्रांतीय अध्यक्ष थे वो ग्वालियर से जो कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बनाया था राकेश गुर्जर, वो भोपाल गए थे और उन्होंने भोपाल में जैसे भी अपने संगठनों के साथ मिलकर उच्च शिक्षा विभाग के ऊपर जो दबाव बनाया, लगता है कि उसी का जो फलीभूत परिणाम है क्योंकि अब लगातार कुल मिलाकर देखा जाए जिस भी वजह से प्रेशर बना हो, लेकिन सातवां वेतन मान 2007 के बाद स्थायी कर्मचारियों को तत्काल वेतन भुगतान, ओल्ड पेंशन स्कीम, ऐसे तमाम 9 सूत्री मांगे थी जिसे लेकर अब मांगे जो है वो मान ली गई है और हड़ताल वापस ले ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। और चलिए बात करेंगे अगली खबर, जिस तरह से बात करें भोपाल की, तो आयोजित गौरव दिवस के कार्यक्रम में गीतकार मनोज मुंतशिर ने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की वकालत कर दी। अब इसे लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं ने मुंतशिर पर जुबानी हमले शुरू कर दिए तो वहीं बीजेपी नाम बदलने को लेकर जन भावनाओं की दुहाई दे रही है। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। शिव भक्त थे, आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? गीतकार मनोज मुंतशिर ने भोपाल में गौरव दिवस के मंच से दिए गए इसी बयान के बाद बवाल मच गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने मुंतशिर पर निशाना साधते हुए उन्हें भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बताया और मुंतशिर को चाटुकार बताते हुए उन्हें भोपाल का इतिहास जानने की सलाह दी। मनोज मुंतशिर न भोपाल में पैदा हुए हैं, न मनोज मुंतशिर भोपाल में रहे हैं। मनोज मुंतशिर जहाँ रहते हैं वहाँ के इतिहास की बात करें, यहाँ सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता में बयान दे रहे हैं। मनोज मुंतशिर तो मशहूर ही इस बात करेंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी चाटुकारिता करते थे, कांग्रेस के नेताओं के आसपास घूमते थे। तो वहीं मुंतशिर ने नई संसद भवन के उद्घाटन में विपक्षी पार्टियों के ना पहुँचने पर भी तंज कसा और उन्हें आसुरी शक्ति तक बता डाला, जिसके बाद कांग्रेस और उसके युवा संगठन ने निशाना साधते हुए संसद भवन उद्घाटन मामले पर भी मुंतशिर की खिंचाई कर दी। मनोज मुंतशिर ने एक विवादित बयान दिया है जिसमें उसका कहना है कि लोकसभा जो नई बनी है, जो संसद भवन बना है, उसमें वास्तु जो मोदी जी ने तैयार करा है उसके चलते असुर पहले ही बाहर हो गए। मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप जैसे दरबारियों की यही पहचान है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक आप लोग गिर सकते हैं। कांग्रेस के हमलावर होने के बाद सत्ताधारी दल बीजेपी इसे अब जन भावनाओं से जुड़ा हुआ बयान बता रही है। बीजेपी नेता व विधायक रामेश्वर शर्मा की माने तो भोपाल का नाम भोजपाल होना जन भावनाओं पर निर्भर है। मुझे लगता है कि सब चीजों के लिए जन भावनाओं की जरूरत है। जन भावनाएं जब आंदोलित होती है, जन भावनाएं जब सड़कों पर आती है, जन भावनाएं जब जनता निर्णय करती है तो सब निर्णय करते हैं। बहरहाल भोपाल के नवाबी रियासत से भारत में विलय को लेकर गौरव दिवस का आयोजन किया गया था क्योंकि 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत गणतंत्र में हुआ था, जिसकी याद में प्रदेश की शिवराज सरकार ने गौरव दिवस का आयोजन किया जिसमें गीतकार मनोज मुंतशिर को बुलाया गया था, जहां उनके बयान ने विवाद पैदा कर दिया। दिनेश शुक्ला, INS 24/7 भोपाल।
और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां इस साल के अंत में चुनाव होना है। यूं तो चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन विधायकों ने तपती गर्मी में जनसंपर्क कर पसीना बहाने की शुरुआत कर दी है। आखिर 44 डिग्री तापमान में विधायकों को अचानक क्यों याद आ गया जनसंपर्क, और कैसे सीट बचाने के लिए क्षेत्र में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं विधायक, आइए दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हीट वेव की चपेट में है, पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। लोग घरों से निकलना भी बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में भी माननीय विधायक घरों में दस्तक दे रहे हैं, लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। शादी ब्याह से लेकर छोटे छोटे कार्यक्रमों तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में कुछ महीनों बाद चुनाव होना है, ऐसे में माननीय विधायकों को विधायकी बरकरार रखने की अब चिंता सता रही है। कोई सुबह सुबह घरों में दस्तक देता है तो कोई तपती दोपहरी में कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है, किसी ने पार्षदों के माध्यम से वार्डों में जनसंपर्क का रास्ता तलाशा है, तो कोई सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात को कॉपी कर खुद ही भेंट मुलाकात करने पहुंच जाता है। इन दिनों विकास उपाध्याय से लेकर बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री शिव डहरिया तक हर दिन जनसंपर्क किया जा रहा है। विधायक देवेंद्र यादव ने तो भेंट मुलाकात नाम से कार्यक्रम ही शुरू कर दिया। विधायकों का कहना है कि उन्हें जनता से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता के साथ सतत संपर्क, विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ विकास कार्यों की समीक्षा, साथ ही साथ जनता के मन में एक उत्साह है, जनता के मन में एक जिज्ञासा होती है, वो अपने जनप्रतिनिधि को अपने सामने चाहते हैं। अभी गर्मी का तापमान है, 44 डिग्री गर्मी है, लेकिन जब उनका जनप्रतिनिधि उनके सामने आता है तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ यही एक जनप्रतिनिधि का काम है, जिसको लेकर हम लगातार वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के मन में जो सवाल हैं, लोगों के मन में जो चीजें हैं, उस पर हम उनसे चर्चा करते हैं और विकास कार्यों को अंजाम देते हैं। कांग्रेस का काम खाली अफवाह फैलाना है और लोगों को भ्रमित करना है, चाहे विकास के मामले में हो, हर मामले में वो जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं, वो जनता की सेवा का काम नहीं कर रहे। अभी मैं जनसंपर्क यात्रा में निकला हुआ हूं, महिलाएं इकट्ठी होकर कह रही हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे मोहल्लों में ड्रग्स बिक रही है, उनको आप बचाइए, आप बोलिए कि हमारे यहां पुलिस की गाड़ियां 8-10 बार राउंड मारे हैं रात को। तो आखिर छत्तीसगढ़ की पैसा कमाने के लिए आप छत्तीसगढ़ की पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। तपती गर्मी में माननीयों की तपस्या का फल किस रूप में मिलेगा, ये तो जनता चुनाव के वक्त ही तय करेगी, लेकिन फिलहाल विधायक जिस अंदाज में पसीना बहा रहे हैं, उसने ये जरूर बता दिया कि अपनी सीट बचाने को लेकर माननीय कितने चिंतित हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस ने 2 जून से संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत कर दी। पहला सम्मेलन बस्तर में आयोजित किया गया और इसी तरह 15 जून तक सभी संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का लक्ष्य है। आइए जानते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस क्या संदेश देने जा रही है, देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में कांग्रेस ने अपने सांगठनिक कार्यक्रमों का आगाज कर दिया है। बस्तर से कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई। अब 7 जून को बिलासपुर में भी संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इतना ही नहीं, 15 जून तक बाकी 3 संभागों में भी कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे करने की कोशिश है। दरअसल कांग्रेस इन सम्मेलनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश तो कर रही है, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की भी कोशिश है। यही वजह है कि विधानसभाओं में संकल्प शिविर प्रारंभ करने से पहले संभागों में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में संभागीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन सम्मेलनों के महत्व को इसी से समझा जा सकता है। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हो रही है। माना जा रहा है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से पदाधिकारियों को जहां टास्क दिए जा रहे हैं, वहीं विधायकों के परफॉर्मेंस की भी संगठन थाह लेने की कोशिश में है। बस्तर में कांग्रेस के सम्मेलन पर भाजपा जहां तंज कस रही है, वहीं सीएम भूपेश बघेल कहते हैं भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सभी नेताओं को निपटा रहा है, किसी को भी फिर से टिकट नहीं मिलने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो अंतिम छोर में रहने वाले उनकी हमेशा चिंता की है और हमारा मैनिफेस्टो में ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वो संभाग स्तर के सम्मेलन कर रही है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक है और इससे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, और कांग्रेस समझ चुकी है कि बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है,
और उसके चलते वो बस्तर और सभी संभागों में उस संभागीय सम्मेलन कर रही है। तो सबको तो निपटाते जा रहे हैं, 14 लोगों को टिकट भी नहीं मिलने वाली है। नंद कुमार साय जी हमारे तरफ आ गए तो और फिर वो पुराने बस्ते कहाँ हैं? कांग्रेस ने बस्तर से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद तो कर दिया है, लेकिन इस बार भाजपा भी कांग्रेस की झोली में सीटें छीनने पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में बस्तर की जनता किसका साथ देगी, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बस्तर में इस वक्त सियासी पारा हाई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां बरसात के मौसम में नगर निगम के सफाई के दावे की पोल खुल गई। तेज बारिश होने के बाद नाले नालियां उफान पर आ गए, जिसके चलते शहर के इलाके जल भराव के हालातों से भर गए हैं। नगर निगम और प्रशासन को मानसून नजदीक होने पर ही नाले नालियों की साफ सफाई की याद आती है। आइए दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। बीते दिन भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने बारिश से पहले बाढ़, प्राकृतिक आपदा आदि की तैयारियों को लेकर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें निगम अधिकारियों को समय पर नाले नालियां साफ सफाई के सख्त निर्देश दिए गए थे। लेकिन बैठक के बाद भी अब तक नाले नालियां सफाई नहीं हुई और स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए, बारिश को लेके जो रोड्स हैं उनका जो प्री मेंटेनेंस होता है उनके सबके निर्देश दे दिए गए हैं। ज्यादातर काम हमारा पूरा हो गया, जो थोड़ा बहुत 1-2% बचा हुआ है वो पूरा कर लिया जाएगा। जो बाढ़ वाले जितने स्थल हैं उनके हमने चिन्हांकन कर लिया है, और वहां पर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो रेस्क्यू के लिए जो फोर्स लगनी है उसकी भी पहचान हो गई है। उनके सारे इक्विपमेंट्स की भी हम लोगों ने टेस्टिंग कर ली है और कहां पर उनको शिफ्ट किया जा सकता है उसकी भी हमने टेस्टिंग करी है। आपको बता दें कि शहर के सिर्फ 5 स्थानों पर बारिश के दौरान जल भराव होता है। इसमें पंचशील नगर, संजय नगर, पात्रा, स्लॉटर हाउस, नया बसेरा और साकेत नगर क्षेत्र के नाले हैं। इसके साथ ही शहर में लगभग छोटे बड़े 781 नाले नालियां हैं, जिन पर 12,000 से ज्यादा बड़े छोटे अतिक्रमण चिन्हित हैं। इस कारण शहर में 125 जगहों पर जल भराव होता है। पिछले साल जल भराव के कारण 200 से ज्यादा कॉलोनी डूब गई थी। अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि नाले नालियों की साफ सफाई का अभियान चल रहा है। बारिश से पूर्व जल्द शहर के नाले नालियों की सफाई की जाएगी। देखिए, बारिश से पूर्व सभी नाले नालियों की सफाई नगर निगम करता है। अभी पूरा व्यवस्थित ढंग से सफाई का अभियान चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में अभी बाकी है, उन क्षेत्रों में भी सफाई का अभियान बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। देखिए, कोई तैयारी शुरू नहीं करी। जोन 21 के अंदर आज तक कोई भी नाला गैंग का गठन नहीं हुआ पूरे भोपाल शहर के अंदर, तो वही पुराना डर्रा चल रहा है। अब अभी खुद आप देख लेना, पानी जैसे ही गिरेगा तो पूरे भोपाल शहर डूब जाएगा। अभी अभी बारिश। कलेक्टर ने 10 जून से पहले मॉक ड्रिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। SDRF, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग को समन्वय बनाकर ये रिहर्सल करनी होगी और टीम को पानी की निकासी और नाले के किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई झुग्गियों के राहत कार्य का भी प्लान बनाना होगा। लोगों को बताने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर समय पर जानकारी पहुंचानी होगी। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट। और अब बात विकास की गढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ की, जहां भुइयां पोर्टल के अस्तित्व में आने के बाद से लोगों को अब तहसील कार्यालय के चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा और जमीन से संबंधित सारे डिजिटल रूप से काम आसानी से हो रहे हैं, जिसका श्रेय प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। आइए दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। भुइयां पोर्टल के अस्तित्व में आने से पहले सूरजपुर जिले के तहसील कार्यालय और पटवारी के ऑफिस में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती थी। लोग अपनी जमीन के नक्शा खसरा के लिए चक्कर लगाया करते थे। वहीं बहुत मुश्किल के बाद इन लोगों को नक्शा खसरा मिल पाता था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार द्वारा भुइयां पोर्टल की शुरुआत की गई है, लोगों को काफी राहत मिली है। वे आराम से अपनी जमीन की पूरी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। यह पहले से बहुत आराम हो गया है। ऑनलाइन सब कुछ डाटा हमको मिल जाता है देखने के लिए, नक्शा हमारा चेक कर लेते हैं, पटवारी का या किसी कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ता है, घर बैठे ही सब कुछ जानकारी उपलब्ध जाती है। और भी जो भी खास के कार्यालय के लिए काम रहता है वो भी ऑनलाइन होने सब आसान हो गया हमारे लिए। तो
नकल निकाल नहीं रहता है, तो पहले बहुत बार चक्कर लगाना पड़ता था, आवेदन देना पड़ता था, 10-10 दिन चक्कर लगाना, अब वो सब चक्कर खत्म हो गया है, तुरंत नकल मिल जाता है, सेम डे में तुरंत कुछ भी काम रहता हमारा तुरंत हो जाता है, तो ऑनलाइन होने से बहुत सुविधा हो गई है। सूरजपुर के SDM का भी मानना है कि इस भूया पोर्टल के क्रियाशील होने से ऑफिस में संबंधित मामलों को लेकर के भीड़ कम हुई है, लोग स्वयं ही अपनी जमीन की जानकारी निकाल पा रहे हैं। इस पोर्टल से आम लोगों को काफी राहत मिली है और इसका सीधा लाभ आम लोगों को हो रहा है। इतना लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि कैसे पब्लिक को एक्सेस देना है। तो पहले भी पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी जाती थी, पहले लोग से हो गया जो अपने केंद्र होते हैं उसके माध्यम से लोग B1 वगैरह और अपने खसरे वगैरह नक्शे वगैरह निकलवाते थे। अब इस ऐप के आने से लोगों को मोबाइल में ही इसकी सुविधा मिल जाएगी, लोग मोबाइल से ही चाहे वो B1 हो, नक्शा हो, खसरा हो या अन्य कोई सुविधा हो, उसके माध्यम से ले सकते हैं। तो इससे तो हैंड टू हैंड मतलब उनको अब सुविधा मिलने लगी। भूया पोर्टल को दो भागों में बांटा गया है, भूया और भू नक्शा। भूया जहां खसरा खतौनी के दस्तावेजों की जानकारी मिलती है, वहीं भू नक्शा में जमीन के नक्शे से संबंधित सभी जानकारी मिल पाती है। देखिए, इस ऐप के आने से पूर्व में जिन व्यक्तियों को B1 खसरा या अन्य दस्तावेज का जरूरत रहता था, कई जगह उनको अनावश्यक चक्कर काटना पड़ता था। इस ऐप के आने से अब लोग अपने घर से ही बैठे शासन के सभी योजनाओं का जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, प्लस छोटे मोटे जो भी B1 खसरा, ऑनलाइन जाति निवास, सारा चीज का जानकारी घर बैठे इससे मिल जाता है और ये लोक हित में अच्छा कार्य सरकार कर रही है। सरकार के इस नवाचार का लाभ अब प्रदेश का हर आम आदमी उठाने लगा है, जिससे उसका काम तो आसान हो ही रहा है, साथ ही समय की भी बचत हो रही है। INH News Bureau.